हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स द वे ऑफ सक्सेस। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी विल सॉल्व एमसीक्यू टेस्ट नंबर 21 ऑन टॉपिक विटामिन्स एज अ पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर जीपैट नाइपर डीआईएन फार्मासिस्ट एग्जाम। सो वी हैव स्टार्ट द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ जीपैट नाइपर डीआईएन फार्मासिस्ट एग्जाम। इन दैट we provide you 365 premium test in a 365 days, unlimited attempts of each and every test, solution of MCQ, it is a topic wise test, and you will also get the explanation of each and every multiple choice question. So this is the detail in that 365 topic wise test. 365 days validity, price rupees 100, is like 28 paisa per day, MCQ solution, explanation. So for more details, contact on 9016312020. In this test series, you will get the instant test result, proper result analysis, and get your rank based on your performance. So this facility available on Pharmarocks mobile application. So download the app Pharmarocks and Android application on Google Play. So vitamins MCQ test number 21, this test is based on the topic vitamins from the subject biochemistry. So here is the question number 1. Which of the following vitamins serves as a hormone precursor? Options are vitamin C, A, K or D. The question is about that, which vitamin serves as a hormone precursor? Ki kaun sa vitamin hai कि जो एक्ट करता है या फिर सर्व करता है एज अ हार्मोन प्रीकर्सर, और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। सो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस एमसीक्यू। सो विटामिन डी एक्ट एज ए हार्मोन प्रीकर्सर। यूवी कंपोनेंट ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन 7-dehydro कोलेस्ट्रॉल एंड गेट कन्वर्टेड टू कॉल कैल्सिफेरॉल is means vitamin D3 in the skin. So ye kafi important point hai ki UV components of the sunlight, okay, falls on 7-dehydrocholesterol, okay, ki samjho ki sunlight hai, okay, to ye directly 7-hydroxy cholesterol jo hai uske upar jo hai wo sunlight fall hoti hai, then it converts 7-dehydrocholesterol into the cholecalciferol, जिसको हम कहते हैं विटामिन डी थ्री, विटामिन डी थ्री की जो प्रोसेस होती है इन स्किन। सो विटामिन डी थ्री अब्सॉर्ब इन टू द ब्लड एंड ट्रांसफर टू लीवर एंड किडनी, वेयर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इट फॉर्म कैल्सिट्रायल अ स्टेरॉइड हॉर्मोन। सो स्टेरॉइड हॉर्मोन जो है कैल्सिट्रायल, उसके प्रीकर्सर के फॉर्म में जो है वो विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है, कि विटामिन डी थ्री जरूरी है। डी थ्री कहाँ से बनता है, तो स्किन के अंदर बनता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सनलाइट। इट कन्वर्ट्स डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल टू कोलकैल्सिफेरॉल, जिसके कारण ये जो विटामिन डी थ्री फॉर्म होता है वो एब्जॉर्ब होता है इन टू ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू लीवर एंड किडनी, वेयर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इट फॉर्म्स कैल्सिट्रायल और स्टेरॉइडल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द विटामिन विच फंक्शन एज ए हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट। ऐसा कौन सा विटामिन है कि जो एज अ हार्मोन भी एक्ट करता है एज वेल एज विजुअल पिगमेंट? थायमिन, रिबोफ्लाविन, रेटिनॉल और फॉलिक एसिड, और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेटिनॉल। सो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन। सो विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं, फंक्शन एज ए हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज ए रेटिनॉल, इट इज द आइसोप्रिनोइड अल्कोहल एंड एसेंशियल फॉर द विजन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए एपिथेलियल टिश्यूज। तो विजुअल पिगमेंट एज वेल एज फंक्शन एज ए हार्मोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, फैट सॉल्युबल विटामिन हैज ए को एंजाइम फंक्शन. कौन सा विटामिन ऐसा है फैट सॉल्युबल की जिसके पास को एंजाइम फंक्शन है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन डी. तो क्वेश्चन है फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब कि सी तो ऑप्शन होगा ही नहीं बिकॉज इट इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन. सो हियर वी हैव दिस थ्री ऑप्शन ए के एन डी. तो ए के डी में से सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन के हैज ए को एंजाइम फंक्शन, कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ए डी ई के जो है उसमें से ओनली विटामिन के पास ऐसी एक्टिविटी है, कि नॉट ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन हैव को एंजाइम फंक्शन, ओनली विटामिन के शोस सच एक्टिविटी. फैट सॉल्युबल विटामिन रिलीज एब्सॉर्ब एंड ट्रांसफर विद द फैट इन द बॉडी, किसके कारण ये जो है कि उनकी सॉल्युबिलिटी फैट के अंदर है, कि विटामिन ए डी ई एन के, उसमें से जो एज अ को एंजाइम फंक्शन है वो है विटामिन के का. ओके, विटामिन के एज अ को एंजाइम फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड एंड द ऑप्शंस आर इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन हैव ए सिंथेसाइज इन द बॉडी, इन्वॉल्व्स इन हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ प्रोपाइल एंड लाइसाइल रिड्यूसिस ऑफ कोलाइजन एंड सो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी. तो हमें चार ऑप्शंस दिए, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एस्कॉर्बिक एसिड, और वो हमें फाइंड आउट करना है, और उसका सही आंसर रहेगा एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन नंबर बी, इट कैन हैव ए सिंथेसाइज इन द बॉडी. तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन. सो विटामिन सी, इट मीन्स इट इज ए एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी. ओके, वहां पे लिखा था कि इट हैव ए एबिलिटी टू सिंथेसाइज इन बॉडी, बट विटामिन सी कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सो वर्टिब्रेट सच एज बर्ड्स, फिशेस एंड ह्यूमंस आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज विटामिन सी ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम गुलोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज. ये खास आपको याद रखना है, ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम गुलोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज, जो एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, जिसके कारण हम विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन सी इन द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच वन इज ट्रू रिगार्डिंग रोड्स एंड कॉन्स. ओके, पीक्यूआरएस टाइप क्वेश्चन है ये, कि पी में लिखा है कि द रेटिना ऑफ द आई पोजेस टू टाइप ऑफ सेल्स, रोड्स एंड कॉन. सेकंड ऑप्शन है कि द ह्यूमन्स आईज हैव अबाउट 10 मिलियंस ऑफ रोड्स एंड 5 मिलियंस ऑफ कॉन्स, द रोड्स आर इन द पेरीफेरी वाइल कॉन्स आर इन द एट द सेंटर ऑफ द रेटिना, रोड्स आर इन्वॉल्व इन ए डिम लाइट विजन, कॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट एंड कलर विजन, एनिमल सच एज आउल कैट्स फॉर विच नाइट विजन इज मोर इम्पोर्टेंट पोजेज मोस्टली रोड्स. सो इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं. हियर इज द पी क्यू आर एस सिस्टम, कि पी सही है या फिर क्यू आर या फिर एल्स, या फिर पी फॉल्स है, क्यू ट्रू, आर फॉल्स, एस ट्रू. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि पी इज ऑल्सो ट्रू, क्यू इज ऑल्सो ट्रू, आर इज ऑल्सो ट्रू एंड एस इज ऑल्सो ट्रू, मतलब कि सभी सेंटेंस परफेक्ट है, करेक्ट है. सो रोड्स एंड कॉन्स, द रेटिना ऑफ द आई पोजेस टू टाइप ऑफ सेल्स, रोड्स एंड कॉन, द वुमन आई हैव अबाउट 10 मिलियंस रोड्स. ओके, हमारे आईज के अंदर 10 मिलियंस रोड्स प्रेजेंट है एंड 5 मिलियंस कॉन. यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज अवर रेटिना, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट देख सकते हैं एंड दीज आर द कॉन एंड रोड. यह जो कोई भी ये जो पोर्शन है उसको यहाँ पे हम देखे हैं, तो रोड सेल की जो हमें ब्लू कलर के
किए हुए हैं, सॉरी कॉर्न सेल्स की, जो ये वाले हैं ब्लू कलर की, और जो रोड सेल है ये वाले हैं दूसरे। तो उसमें क्या है कि 5 मिलियंस कॉर्न है, मतलब कि कॉर्न्स की संख्या कम है जबकि रोड्स जो है वो ज्यादा है। द रोड्स आर इन द पेरिफेरी वाइल कॉर्न्स आर एट द सेंटर ऑफ द रेटिना। रोड्स आर इन्वॉल्व इन डिम लाइट विजन। ये खास आपको याद रखना है कि यहाँ से आपको ट्विस्ट हो सकते हैं क्वेश्चन में कि रोड्स आर इन्वॉल्व इन डिम लाइट वाइल कॉर्न्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट एंड कलर विजन। सो हमारे बॉडी के अंदर, आइस के अंदर ऐसे कौन से सेल है कि जो कलर विजन या फिर ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो दे आर कॉर्न्स। आप याद रख सकते हो सी कॉर्न वर्सेस सी कलर। ओके, तो ये खास आपको याद रखना है रोड्स एंड कॉर्न। नेक्स्ट, एनिमल सच एज आउल एंड कैट्स फॉर विच नाइट विजन इज मोर इम्पोर्टेंट पोजेस मोस्टली रोड्स। वर्ल्ड्स विजुअल साइकिल रोडोप्सिन इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन प्रेजेंट इन रोड्स। ये खास आपको याद रखना है कि विच कॉन्जुगेटेड प्रोटीन प्रेजेंट इन रोड्स, रोड्स के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है। इट इज रोडोप्सिन और उसका मॉलिक्यूलर वेट है अराउंड 35,000। इट कंसिस्ट 11 CRS रेटिनल एंड द प्रोटीन ऑप्सिन। द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ रेटिनल इज लिंक टू ई अमाइनो ग्रुप ऑफ लाइसिन ऑफ ऑप्सिन, जो बनाते हैं रोडोप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए डेफिशिएंसी। ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन क्यू है सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू ग्जेरोथेमिया, आर में है बीटोट स्पॉट वाइल ट्राइंगुलर प्लेक इन सर्टेन एरिया ऑफ कंजेक्टिवा, एंड आर है रिप्रोडक्शन सिस्टम इज एडवर्सली अफेक्टेड इन विटामिन ए डेफिशिएंसी। सो ऑप्शंस दिए हैं हमें हियर PQRS, कि पी फॉल्स, क्यू ट्रू, आर ट्रू, एस फॉल्स। ओके, और स्लाइड्स चेक द करेक्ट आंसर, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि पी इज ट्रू, क्यू इज ऑल्सो ट्रू, आर इज ऑल्सो ट्रू एंड एस, PQRS, चारों सेंटेंस करेक्ट है। सो विटामिन ए डेफिशिएंसी, फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, ओके, जिसको हम निक्टेलोपिया भी कहते हैं, इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। सेकेंड इज सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू ग्जेरोथेमिया, दिस इज कैरेक्टराइज बाय ड्राइनेस इन द कंजेक्टिवा एंड कॉर्निया एंड कैरेटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल। ये खास आपको याद रखना है, हर एक डिसीज के बारे में जान लीजिए कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या है। तो इसको निक्टालोपिया भी कहा जाता है, कि जो रात को या फिर इवनिंग के टाइम पे आपको क्लियर नहीं देख सकता, मतलब कि डिम लाइट विजन में प्रॉब्लम होती है। देन सीवियर डेफिशिएंसी विटामिन लीड्स टू ग्जेरोथेमिया। ग्जेरोथेमिया में क्या होता है, ड्राइनेस इन द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया एंड कैरेटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल। फिर है बीटोट स्पॉट वाइल ट्राइंगुलर प्लेक इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंजक्टिवा। ये खास आपको याद रखना है, बीटोट स्पॉट्स। द रिप्रोडक्शन सिस्टम इज एडवर्सली अफेक्ट इन विटामिन ए डेफिशिएंसी। ओके, ये खास आपको याद रखना है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से रिप्रोडक्शन सिस्टम पे भी अफेक्ट हो सकता है। डीजनरेशन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल लीड्स टू स्टरिलिटी इन ए मेंस। इफेक्ट ऑन स्किन एंड एपिथेलियल सेल। ओके, नॉट ओनली ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज ऑल्सो अफेक्ट ऑन अवर स्किन एंड एपिथेलियल सेल। द स्किन बिकम्स रफ एंड ड्राई, कैरेटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इज नॉट इट। दिस इज लीड टू इंक्रीज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से मल्टीपल डिसीज डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक स्टरिलिटी इन मेल्स, इन मैन, इफेक्ट ऑन स्किन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ग्जेरोथेमिया एंड बीटॉट्स स्पॉट। नंबर 7, अर्गोकैल्सिफेरॉल इज कॉल्ड विटामिन डी, D2, D3 और ऑल ऑफ दी अबव। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि अर्गोकैल्सिफेरॉल कौन सा विटामिन। कैल्सिफेरॉल सभी को पता है कि विटामिन डी, बट उसमें अर्गोकैल्सिफेरॉल कौन सा विटामिन है। ओके,
सो इसी तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इन अवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विच इज अवेलेबल इन मोबाइल एप्लीकेशन इन जस्ट ₹100 ऑफ ए 1 ईयर. सो राइट आंसर इज विटामिन डी 2. सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन. विटामिन डी इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन. इट रिसेंबल्स स्टेरॉल्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लाइक ए हॉर्मोन. ओके, तो विटामिन डी भी एक्ट करता है एज अ हॉर्मोन. अर्गो कैल्सिफेरॉल विटामिन डी 2 इज फॉर्म फ्रॉम अर्गोस्टेरॉल एंड इज प्रेजेंट इन प्लांट्स. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अर्गो कैल्सिफेरॉल आपको पता है कि विटामिन डी 2 फ्रॉम अर्गोस्टेरॉल और प्रेजेंट है इन प्लांट्स. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच विटामिन इज प्रेजेंट इन ए प्लांट. तो विटामिन डी 2 अर्गो कैल्सिफेरॉल. फिर कॉल कैल्सिफेरॉल विटामिन डी 3 इज फाउंड इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर डी 3 पाया जाता है जबकि डी 2 इन ए प्लांट्स. ये काफी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट के अंदर डी 2, इन एनिमल्स इट इज ए डी 3. बोथ स्टेरॉल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट दैट अर्गो कैल्सिफेरॉल हैज एन एडिशनल मिथाइल ग्रुप एंड अ डबल बॉन्ड. तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. अर्गो कैल्सिफेरॉल एंड कॉल कैल्सिफेरॉल आर सोर्स ऑफ विटामिन डी एक्टिविटी एंड आर रिफर टू एज ए प्रोविटामिन्स. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि डी 2 एंड डी 3 इज एक्ट एज ए प्रो विटामिन्स. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. डेफिशिएंसी सिम्टम्स इंक्लूड्स चिलोसिस, फिशर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, ग्लोसाइटिस, टंग स्मूथ एंड पर्पलिस एंड डर्मेटाइटिस. आर ऑफ विच विटामिन. डेफिशिएंसी सिम्टम्स कौन से विटामिन के है? बी 2 है, बी 12 की जो साइनोकोबालेमाइन, बी 3 नियासिन या फिर पायरिडॉक्सिन बी 6. तो हमें यहाँ पे सिम्टम्स दिए हैं डेफिशिएंसी के कि चिलोसिस होता है, ग्लोसाइटिस एंड डर्मेटाइटिस. ये तीन डिफेक्ट जो है डेफिशिएंसी है वो कौन से विटामिन के कारण होते हैं? एंड राइट आंसर इज विटामिन बी 2 रिबोफ्लेविन. सो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन. विटामिन बी 2 रिबोफ्लेविन डेफिशिएंसी सिम्टम इंक्लूड चिलोसिस. चिलोसिस मतलब फिशर्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ. फिर ग्लोसाइटिस, टंग स्मूथ एंड पर्पलिस एंड डर्मेटाइटिस. रिबोफ्लेविन थ्रू इट्स को एंजाइम टेक पार्ट्स इन वेराइटी ऑफ सेल्यूलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. एंटी मेटाबोलाइट इज कैलेक्टोफ्लेविन इज एन एंटी मेटाबोलाइट ऑफ रिबोफ्लेविन. ये खास आपको याद रखना है मोस्ट आईएमपी की एग्जाम्स के अंदर. ये जो एक्सप्लेनेशन में से ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो विटामिन बी 2 है रिबोफ्लेविन, ओके, तो उसका एंटी मेटाबोलाइट कौन है? तो कैलेक्टोफ्लेविन इज एन एंटी मेटाबोलाइट ऑफ रिबोफ्लेविन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इन कंट्रीज विद गुड सनलाइट लाइक द इंडिया आरडीए रिकमेंडेड दिल्ली फॉर विटामिन डी इज 200 IU और 5 mg, 300 इंटरनेशनल यूनिट और 15 mg, 400 और 20 और 500 और 25. तो रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन डी, मतलब कि विटामिन डी का कितना सप्लीमेंट आप डेली ले सकते हैं, ओके. तो क्वेश्चन ये है कि इन कंट्रीज विथ गुड सनलाइट, ओके, लाइक इंडिया, व्हाट इज द आरडीए ऑफ आवर विटामिन डी? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 200 इंटरनेशनल यूनिट्स और 5 mg. सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. Recommended dietary allowance. The daily requirement of vitamin D is 400 international units or 10 mg of cholecalciferol. But in countries with good sunlight like the India, RDA for vitamin D is 200 IU or 5 mg. मतलब कि जहाँ पे अच्छी सनलाइट है वहाँ पे 200 IU और 500 mg, but other than these areas 400 IU और 10 mg, मतलब कि डबल हो जाता है 200 से 400
एंड 5 का 10 mg. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन सी. फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट कि ऑप्शन है कि विटामिन सी प्ले द रोल ऑफ ए कोएंजाइम इन हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ प्रोलिन एंड लाइसिन व्हाइल प्रोटोकोलेजन इज कन्वर्टेड टू कोलेजन. नेक्स्ट है द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन फॉलिक एसिड इज टेट्राहाइड्रोफॉलेट. विटामिन सी इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ FH फॉर एंजाइम फॉलिक एसिड रिडक्टेज. फिर विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन टू हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन इन द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन. और एक और से स्टेटमेंट है कि विटामिन सी इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस कन्वर्टिंग एमाइनो एसिड टू कीटो एसिड्स. द कीटो एसिड एंटर इन द साइट्रिक एसिड साइकिल एंड गेट ऑक्सीडाइज टू जनरेट एनर्जी. विटामिन सी इज एन एनर्जी रिलीजिंग विटामिन. तो बायोकेमिकल फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो यू कैन रिफर सत्यनारायण बुक फॉर ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर दिस टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो उसका सही आंसर क्या रहेगा कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. वी हैव टू फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस MCQ. लास्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. इट इज द बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन B6 को जो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन नॉट द एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी. विटामिन सी जो दिया था वो नहीं बट पायरिडॉक्सल फॉस्फेट की जो है विटामिन B6 इज इन्वॉल्व इन द ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन. द कीटो एसिड एंटर इन टू द साइट्रिक एसिड साइकिल एंड गेट ऑक्सीडाइज टू जनरेट द एनर्जी. थस B6 इज ए एनर्जी रिलीजिंग विटामिन. इट इंटीग्रेट्स कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म. मतलब कि ये जो लास्ट स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा वो था बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन B6 एंड दीज आर द बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन सी कि विच इज एक्ट एज ए कोएंजाइम इन हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ प्रोलाइन एंड लाइसिन व्हाइल प्रोटोकोलेजन इज कन्वर्टेड टू कोलेजन. एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन फॉलिक एसिड इज टेट्राहाइड्रोफॉलेट FH4. विटामिन सी नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ FH4. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन टू हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन इन द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन. तो ये चारों स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोकेमिकल फंक्शंस. सो सॉल्व सच मोर एमसीक विथ प्रॉपर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन अवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल ऑन फार्मारॉक्स ऐप. सब्सक्रिप्शन चार्ज इज जस्ट ₹100 ऑफ 1 year इज लाइक 28 paisa पर डे. सो यू कैन स्पेंड जस्ट ₹100 फॉर 1 year प्रिपरेशन ऑफ सच टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन. सो फॉर टेस्ट सीरीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 9016312020 और यूज द एप्लीकेशन फार्मारॉक्स एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले. यू विल ऑल्सो फाइंड आउट द ऑल इंडिया 3GPA टेस्ट सीरीज देयर इन जस्ट ₹10. ओके, वी हैव कीप द प्राइस जस्ट ₹10. So these all facilities available on Pharmarocks app. So how you to subscribe this courses? So you just have to open the course in app, then you can do the payment by using the multiple payment ways like card, net banking, wallet or UPI transaction. After successful payment, your test series will be activated. Then you can see this courses in your purchase courses. And you can solve this MCQ with proper solution and explanation in mobile application also. Similarly, same test series available for pharmacist, drug inspector and NIPER exam. So contact us on 9016312020. You can call or WhatsApp us. So good luck and all the best.